दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। बता दें आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जहाँ तमाम तरह की फिल्में आती हैं तो तमाम तरह के गाने और एल्बम भी आते हैं, लेकिन अगर बात करें धमाके की तो बता दें आपको कि धमाका तो सिर्फ पवन सिंह का होता है, और ऐसा हम नहीं बल्कि फैंस कहते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा बेस्ट सिंगर भी मानते हैं। बता दें आपको कि पवन सिंह इन दिनों जहां अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं, तो वहीं इन दिनों उनकी कई पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं वो काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को ये गाने खासा पसंद भी आ रहे हैं। बता दें आपको कि इन दिनों पवन सिंह के कई सारे फिल्मों के गाने आ रहे हैं और लोगों को ये गाने काफी पसंद भी आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पवन सिंह की फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जिसके बोल हैं जवानी राखा बंद कई के। बता दें कि पवन सिंह का ये जो गाना है ये है उनकी फिल्म वॉन्टेड का, जो कि हाल ही में कुछ घंटों पहले ही रिलीज किया गया है, यानी कि पूरा वीडियो सॉन्ग रिलीज किया गया है और लोग इसे खासा देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस गाने की तो बता दें कि इसमें पवन सिंह का जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है और हर कोई काफी पसंद भी कर रहा है इस गाने को। इस वीडियो में काफी रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है पवन सिंह का, तो साथ ही साथ जबरदस्त डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पवन सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए पवन सिंह की तो इन दिनों वो अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में है और कहा जा रहा है कि हर एक फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। बता दें कि अभी इन दिनों वो क्रैक फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म बॉस की शूटिंग कंप्लीट करी है और साथ ही साथ पवन का जो गाना है वो भी काफी, जो फिल्म थी वांटेड इसे काफी ज्यादा प्यार मिला लोगों का और लोगों ने इसकी काफी तारीफ की। तो आप बता दें कि पवन सिंह की फिल्म का ये जो गाना रिलीज हुआ है इसे भी लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है, लोगों ने खूब पसंद किया है और इस पर तमाम तरह के कमेंट्स भी किए हैं और साथ ही साथ पवन सिंह के इस गाने को लोगों ने खासा सराहा है और साथ ही पवन सिंह की गायकी को भी खासा पसंद किया है और पवन सिंह के अंदाज को तो हर कोई पसंद करता ही है। तो दोस्तों जल्दी से नजर डालते हैं लोगों के कमेंट पर और देखते हैं कि पवन सिंह के फैंस ने क्या कुछ कमेंट किए हैं पवन सिंह के इस खास गाने पर और क्या कुछ नया देखने को मिला उन्हें इस गाने में। तो चलिए देखते हैं लोगों के कमेंट्स और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है लोगों ने कमेंट्स में। एक फैन लिखते हैं, पवन सिंह भोजपुरी के बेस्ट सिंगर है, क्यों इसे लाइक करिएगा। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन भैया के फैन यहाँ लाइक करें। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन सिंह का छलका तो हमरो जवानिया सॉन्ग सुपर हिट था। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन सिंह का फैन है लाइक करें। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, आई लव पवन सिंह। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन भाई के ऑल फैंस लाइक करें। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन भाई के ऑल फैंस लाइक करें। अगले फैन लिखते हैं, पवन भैया का फैन लाइक करें, वेरी नाइस वीडियो सॉन्ग, जय हो पवन भैया हीरो नंबर वन। तो अगले फैन लिखते हैं, नाइस सॉन्ग पवन सिंह का। तो अगले फैन लिखते हैं, पवन सिंह फैन हिट एंड लाइक हियर। बता दें आपको कि इस तरह के तमाम तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और अगर बात की जाए इस गाने के सीन की तो ये गाने का सीन काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसमें काफी रोमांटिक अंदाज में पवन सिंह नजर आ रहे हैं और इस गाने के बोल से तो आप समझ ही गए होंगे कि काफी जबरदस्त गाना है और आपने भी अभी तक देख ही लिया होगा। और सोशल मीडिया पर अगर आप पवन सिंह के बहुत बड़े फैन हैं तो आपसे कोई बात छुपी तो नहीं होगी और आपने देखा ही होगा कि पवन सिंह इस गाने में किस तरह जबरदस्त ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं गाना भी जबरदस्त है। बता दें आपको कि पवन सिंह इन दिनों अपनी क्रैक फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही साथ वो अपने फैंस से भी मिलते रहते हैं और फैंस का ढेर सारा प्यार उन्हें मिलता है और बीते कुछ दिन उनके लिए काफी ज्यादा खास रहे क्योंकि पिछले दिनों उनका जन्मदिन था जो 5 जनवरी को था और उस दिन लोगों के साथ उन्होंने काफी वक्त बिताया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो काफी ज्यादा जरूरतमंद थे, जो कि दिव्यांग थे, उनके बीच जाकर पवन सिंह ने केक कट किया। तो उसके बाद से उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ जन्मदिन मनाया, फिर रात को जन्मदिन मनाया, फिर पत्नी ज्योति के साथ जन्मदिन मनाया। तो वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए पवन सिंह इस दौरान पत्नी ज्योति के साथ। तो वहीं अब पवन सिंह के कई सारे गाने और एल्बम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे।
अगर बात की जाए पवन सिंह के स्टेज शो की, वो अपने फैंस से मिलने का एक मौका नहीं छोड़ते और हाल ही में एक खबर आई है कि वो जल्द ही 15 जनवरी के मौके पर वो अपने फैंस से मिलने के लिए एक जगह पहुंचने वाले हैं स्टेज शो में। खैर जगह का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं आपके इस आप लोगों के बीच और वहां पर ढेर बहुत ही खूबसूरत स्टेज शो करने वाले हैं। तो वहीं उन्होंने कई सारे एल्बम सॉन्ग्स ढेर सारे एल्बम सॉन्ग्स तो उनके आने ही वाले हैं, लेकिन कई सारे उनके स्टेज शो अभी बुक हैं जो कि आने वाले टाइम में लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पवन सिंह अपनी कई फिल्मों के साथ साथ एल्बम, गानों और स्टेज शो के जरिए अपने फैंस के बीच बने रहते हैं और साथ ही साथ अपने फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं। तभी वो भोजपुरी के पावर स्टार बनने में कामयाब रहे और आज वो भोजपुरी की अगर बादशाह कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भोजपुरी के सचमुच बादशाह बन चुके हैं अपनी फिल्मों और अपने गानों के जरिए और साथ ही साथ लोगों के बीच जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करने के जरिए, उनके साथ वक्त बिताने के जरिए। अगले कमेंट्स की बात की जाए तो बता दे, एक फैन लिखते हैं मस्त बा पवन भैया, तो अगले फैन लिखते हैं सुपर सॉन्ग पवन भैया लव यू, तो अगले फैन लिखते हैं भैया पवन सिंह के दर्शकों इस वीडियो को लाइक करें, तो अगले फैन लिखते हैं सुपर जियो पवन से, तो अगले फैन लिखते हैं पवन सिंह के फैन से ही सिर्फ लाइक करें, तो वहीं अगले फैन लिखते हैं बहुत लाजवाब सॉन्ग पवन भैया का, तो अगले फैन लिखते हैं पवन सिंह का फैन कौन कौन है लाइक करो, तो अगले फैन लिखते हैं सुपर हिट सॉन्ग पवन भैया। तरह तरह के कमेंट्स हैं और हर किसी को ये गाने काफी पसंद आ रहा है। और साथ ही एक अगले फैन लिखते हैं जियो भैया पवन आज तो गजब कर दिया, वेरी गुड नाइस सॉन्ग लव यू। तरह तरह के कमेंट्स हैं और लोग अपने कमेंट्स के जरिए पवन सिंह को ढेर सारा प्यार जता रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही गाने या किसी ऐसी ही फिल्म के साथ जो कि इन दिनों काफी ज्यादा डिमांड में बना हुआ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरी।